नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हीरो मोटो कॉर्प शेयर के मंथली चार्ट पे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है, यानी कि प्राइस अपने ट्रेंड लाइन के पास दो बार आके यहाँ से रिटर्न ये प्राइस ऊपर की ओर गई है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए कि प्राइस जब रिटर्न अपने ट्रेंड लाइन के पास आए, और अपने ट्रेंड लाइन के पास आने पे यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देती है या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, तो हम रिटर्न इस शेयर में अपनी एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे वेट करना होगा। अगर आपको अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा, ये शेयर को वॉच करना होगा कब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले और इस शेयर में आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे कि अगर इस शेयर को आप डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि किस तरह यहाँ पे एक बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया है। इसे हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये एक बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये जब भी अपट्रेंड में फॉर्म होता है तो ये यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि शेयर में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, प्राइस नीचे की ओर आने के लिए यहाँ पे तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाने से पहले यहाँ पे जो इसका कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके लो के नीचे आपको एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है, यानी कि इसके लो के नीचे एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, एक बैरिश कैंडल, जो कि हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करेगी कि जो यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुआ है बैरिश कैंडल, वो यहाँ पे एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पे सेलर जो है यहाँ पे एक्टिव है, तब यहाँ पे हम अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।